दिल्ली नगर निगम में महापौर चुनाव से लेकर अब तक संवैधानिक संकटों के उत्पन्न होने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। ताजा मामला दिल्ली नगर निगम के बजट को लेकर है। निगम की स्थायी समिति का गठन अभी हुआ नहीं है। दूसरी तरफ विभागीय अधिकारियों ने बजट बनाने की तैयारी शुरू कर दी। ऐसे में स्थायी समिति का गठन नहीं हुआ तो निगम का बजट कैसे पेश होगा, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। एमसीडी के बजट को लेकर यह सवाल इसलिए है कि स्टैंडिंग कमेटी अभी तक गठित नहीं हो पाई है, जबकि एमसीडी चुनाव परिणाम आए 9 माह से ज्यादा समय बीत चुका है। गौर करने की बात यह है कि स्टैंडिंग कमेटी के बगैर बजट की प्रक्रिया ही शुरू नहीं हो पाएगी, जबकि हर साल 10 दिसंबर से पहले निगमायुक्त को स्टैंडिंग कमेटी के सामने बजट पेश करना होता है। स्टैंडिंग कमेटी अस्तित्व में न होने की स्थिति में सदन में सीधे यह बजट पेश नहीं किया जा सकता। ऐसे में निगमायुक्त एलजी के सामने बजट पेश कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम में महापौर चुनाव से लेकर अब तक संवैधानिक संकटों के उत्पन्न होने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। ताजा मामला दिल्ली नगर निगम के बजट को लेकर है। निगम की स्थायी समिति का गठन अभी हुआ नहीं है। दूसरी तरफ विभागीय अधिकारियों ने बजट बनाने की तैयारी शुरू कर दी। ऐसे में स्थायी समिति का गठन नहीं हुआ तो निगम का बजट कैसे पेश होगा, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। एमसीडी के बजट को लेकर यह सवाल इसलिए है कि स्टैंडिंग कमेटी अभी तक गठित नहीं हो पाई है, जबकि एमसीडी चुनाव परिणाम आए 9 माह से ज्यादा समय बीत चुका है। गौर करने की बात यह है कि स्टैंडिंग कमेटी के बगैर बजट की प्रक्रिया ही शुरू नहीं हो पाएगी, जबकि हर साल 10 दिसंबर से पहले निगमायुक्त को स्टैंडिंग कमेटी के सामने बजट पेश करना होता है। स्टैंडिंग कमेटी अस्तित्व में न होने की स्थिति में सदन में सीधे यह बजट पेश नहीं किया जा सकता। ऐसे में निगमायुक्त एलजी के सामने बजट पेश कर सकते हैं।